नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गोल बिल्डर के बारे में, जिसमें हमने पहले जो सिक्स मेरिडियन लिए थे उन सिक्स मेरिडियन में हमने सारे हमारे हाथ में जो हमारे मेरिडियंस आते थे उनमें बात की थी। तो आज जो हमारे बचे हुए छह जो ऑर्गन के मेरिडियन है उन छह के बारे में बात करेंगे जो हमारे पैरों से कनेक्टेड है, जो हमारे पैरों पे या तो खत्म होते हैं, एंड होता है, या पैरों से शुरू होते हैं। ठीक है, उसके अलावा दो मेरिडियन हमारे अलग बचते हैं जीवी सीवी के, जो हम सबसे लास्ट में लेंगे। तो 12 है हमारे ऑर्गन के मेरिडियन, जिसमें 6 हमारे हैंड्स वाले हो गए और 6 हमारे बचते हैं लेग्स वाले, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। ठीक है, गॉल ब्लैडर जीवी हम इसे बोलते हैं शॉर्टकट में, गॉल ब्लैडर। ठीक है, जिसे हम जीवी भी बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये इसकी नेचर प्रकृति क्या है, इसका एलिमेंट क्या है, एनर्जी क्या है, ये सब हम जानेंगे। एक टेबल बनाएंगे, उसके द्वारा हम ये सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, हम नेचर जानते हैं। नेचर यानी कि प्रकृति क्या होती है, यिन यांग जो होती है उसमें से क्या प्रकृति है। ठीक है, तो ये क्या होती है, यांग होती है। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है। ठीक है, एलिमेंट यानी कि तत्व। ठीक है, पहले पार्ट, हाँ सॉरी, पार्ट नंबर है हमारा ये 128। ठीक है, तत्व, तो तत्व कौन सा होता है, कास्ट यानी कि गुण। ठीक है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तो क्या होती है, ऊर्जा वायु ऊर्जा होती है, जिसको हम विंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये है इसका समय। समय क्या होता है, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, तो समय होता है इसका रात का 11 से और सॉरी रात का 11 से और एक। ठीक है, और ये महीना यानी बायोलॉजिकल मंथ। ठीक है, बायोलॉजिकल मंथ ये कौन सा होगा इसका, हमारा ये होगा जनवरी, जनवरी। ठीक है, अब इसके बाद में कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कहाँ से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है हमारा, ये हमारी आईज जो होती है इनके किनारे से शुरू होता है, और हमारी जो मतलब लेग है उसकी सेकंड लास्ट फिंगर पे जाके हमारे वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट टू एंड, तो कहाँ से शुरू होगा, ये हमारा होगा आईज, आईज टू लेग सेकेंड लास्ट फिंगर। वैसे ये भी बोला जाता है कि हमें ये लिखना होता है कि लेग टू हार्ट यानी कि पैर से हृदय की ओर, या फिर हम लिखते हैं कि हृदय से हाथ की या पैर की ओर, ये सिंपल भी होता है। यानी किसी भी चीज को अगर हमें डिफाइन करना होता हो ये लिखते हैं कि वो हमारे हृदय से और पैर की तरफ जा रहा है, चाहे वो हमारे आईज से जा रहा है, तो ये लिखते हैं कि हृदय से हाथ की ओर या हृदय से पैर की ओर। अगर हम इसे इस हिसाब से लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसे कि हृदय से और पैर की ओर, यानी कि आई से शुरू हो रहा है, लेग की तरफ जा रहा है, तो हृदय से पैर की ओर। ठीक है, समझ लेंगे। ठीक है, अब टोटल पॉइंट तो इसमें टोटल पॉइंट होते हैं 44। ठीक है, हॉररी पॉइंट तो हॉररी पॉइंट होता है इसका G41। ठीक है, अब क्या रह गया इसमें, टाइम हो गया, मंथ हो गया, आइज होगी, ये भी हो गया हमारा, एलिमेंट हो गया, लगभग ये चीजें कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कोई चीज अगर छूटती है तो हम फिर नेक्स्ट बता देंगे, वैसे मेरे हिसाब से कोई चीज छूटी नहीं है। प्रकृति होगी इसकी, एलिमेंट हो गया, वायु हो गया, तत्व, टाइम हो गया, मंथ हो गया, स्टार्ट टू एंड हो गया, टोटल पॉइंट हो गए। ठीक है, हाँ ये भी हो गया। ठीक है, और कलर इसका ग्रीन होता है। ठीक है, रंग इसका जो होता है वो होता है हरा, यानी कि ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर इसका होता है, वो तो कुछ चीजें हम वीडियो में साथ के साथ बताते रहते हैं। ठीक है,
उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। अब ये हो गया कंप्लीट, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। यानी कि अगर 11 से 1 का टाइम है तो इसका मतलब जो लोग 11 से 1 के बीच में शुरू होते हैं वो गॉलब्लैडर से हो सकते हैं, और इस टाइम इसकी ऊर्जा एक्सेसिव होती है। जनवरी का जो मंथ होता है वो हमारा गॉलब्लैडर का, अगर जनवरी से कोई प्रॉब्लम या रोग शुरू होती है तो हम गॉलब्लैडर से उसे कोरिलेट करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, तो इन चीजों को देखिए, अच्छे से समझिए, याद कीजिए, फिर हम इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। गॉलब्लैडर से होने वाले रोगों के बारे में हम बात करेंगे जो गॉलब्लैडर से संबंधित रोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, गॉलब्लैडर की डिसीज डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे।